समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिलीप सिंह राणा एज नोन एज द ग्रेट खली की। जैसा कि आप सब जानते हैं द ग्रेट खली इंडिया के फर्स्ट रेसलर हैं, जो ना कि WWE में पार्टिसिपेट कर चुके हैं बल्कि वहाँ की चैम्पियनशिप भी जीत चुके हैं। दोस्तों वैसे तो ये 2006 से लेके 2010-12 तक सुर्खियों में रहे हैं WWE में द ग्रेट खली के नाम से, पर आजकल ये दोबारा सुर्खियों में आए हैं, दोबारा ट्रेंडिंग में आए हैं। क्यों? क्योंकि किसी अननोन बंदे ने इनके इंस्टाग्राम पिक्स पे या रील्स पे कुछ ऐसे कमेंट किए जिसके बाद से एक बाढ़ सी आ गई कमेंट्स की, और वो कमेंट थोड़े अजीबोगरीब थे, जिसके बाद सबने वैसे कमेंट करने स्टार्ट कर दिए और ये एक ट्रेंड बन गया। उसको देख देख के सब अजीब गरीब से कमेंट कर रहे हैं, अजीब सी डिमांड कर रहे हैं। जैसे एक ने कमेंट किया सर पाद मार के सोफ़ा फाड़ दो, एक ने कमेंट किया सर मोबाइल की स्क्रीन को खींच के प्लाज्मा बना दो, एक ने कमेंट किया सर मास्क को खींच के इसका टेंट बना दो। बहुत ही अजीब गरीब से, जिसका मतलब कोई तुक नहीं, ऐसे ऐसे कमेंट। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ऐसे कमेंट की ट्रेंड चल गई है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि उसको कमेंट उसका कमेंट देख के लोग अपने यूनिक से कमेंट बना रहे हैं। आजकल मीमर्स ने भी द ग्रेट खली के कमेंट्स के ऊपर मीम बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसकी भी बाढ़ आ गई है। तो आज हम यही देखेंगे कि द ग्रेट खली के कमेंट्स के ऊपर कैसे कैसे मीम बने हुए हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं लोगों ने कैसे कैसे मीम बना रखे हैं खली सर पे। हेलो खली सर, पुलिस ने मेरे डीलर को पकड़ लिया, माल भी ख़त्म हो गया है, आप बाद मारो ना मैं उस ओ भाई साहब ये तो हद होगी, पाद मारो मैं उसी से नशा कर लूँगी। दीपिका पादुकोण खली सर किलिंग थाउजेंड ऑफ आंट्स वेन एवर ही फाट ले आंट मैन ऐसा क्यों कर रहे हो। खली सर लॉस्ट हिज वर्जिनिटी इवन बिफोर हिज पेरेंट्स। खली सर व्हेन सडनली पीपल स्टार्टेड डूइंग कमेंट्स ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड मेकिंग थाउजेंड ऑफ मीम ऑन हिम। सही में यार दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का। खली सर व्हेन कम टू नो दैट ही हैज़ बिकम फर्स्ट चॉइस ऑफ मीम। द बॉस हेलो खली सर कोरोना से पूरा देश परेशान है, आप पाद मार के कोरोना बाद मर के कोरोना ख़त्म कर दो। वाह भी वाह, बस मन सा उठ गया है इन चूतिए कमेंट से, अब सुकून से जीना चाहता हूँ। खली सर टू मीम चैट तुम ग्रेविटी हो क्या, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। खली सर मीम चैट ऐप मेक मीम एंड अर्न मनी, बिजनेस इज बिजनेस। खली सर की तारीफ करने पर खली सर ओ खली सर से पाद की डिमांड करने पर व्हेन यू पोस्ट कमेंट्स अबाउट मीम चैट ऐप इन खली सर्स पोस्ट व्हेन यू पोस्ट शिटी कमेंट इन खली सर्स पोस्ट। खली सर व्हाइल रीडिंग कमेंट अंडर हिज पिक्स कंट्रोल कंट्रोल ओ आगे कंट्रोल लिटरली नो वन खली सर रीडिंग हिज कमेंट्स सेक्शन बी लाइक कंट्रोल खली कंट्रोल। हेलो खली सर मीम चैट पर मीम रिव्यू करो। प्लीज सर बाबा इतना अच्छा लगने लगा हूँ सबको, खली भाई के मीम का टेम्पलेट तो नहीं। खली सर पेरेंट्स यूज टू स्लीप विद हिम Whenever this felt scared, कभी कभी ऐसा लगता है ये मूली खा कर ही पीपल ऑन खली सर पिक सर ये कर दो सर वो कर दो सर पाद के सोफा फाड़ दो फ्रस्ट्रेटेड खली सर दे दे के दो मुक्का नाच के गिर जाओगे।
पहले अपने इंस्टा हैंडल से खली के कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ लिखेंगे, फिर मीम चैट पर उसे ट्रेंड बनाकर वायरल करेंगे, मास्टर स्ट्रोक खेल कर खली के साथ कोलैब करेंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी? खली सर पर मीम बना बना के कितना पैसा कमा लेते हो? पंडित जी का बताए, बस फ़ोन रिचार्ज हो जाता है। ओ भाई हद है यार, कैसे कैसे कमेंट हो रहे हैं। मुंह नहीं, सिर नहीं, पैर नहीं, जो मन में आया वो कमेंट मार दिया। सच में यार दिल से बुरा लगता है, दिल से। प्लीज भाई, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए यार, दिल से लगता है भाई। ये खली सर बोल रहे होंगे। चलो चाहे बुरा भी हो पर इससे मीमर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं खली सर और इनके कमेंट्स, तो मीमर छाप रहे हैं नोट, तो मीम बहुत बन रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा दो।